उसी की बात करता हूं मैं। सबसे पहले ये बताता हूं कि साहित्य क्या है। है किसी के पास कोई उत्तर? होगा भूसारों के पास साहित्य क्या है, और विशेष करके आदिवासी साहित्य क्या है। आदिवासी साहित्य को आप सभी जानते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो सभी जानते हैं कि आदिवासी साहित्य क्या होता है। मैं इसके बारे में कुछ कुछ बिंदु बता देता हूँ कि साहित्य क्या है। सबसे पहले साहित्य के अंतर्गत हमारे यहाँ सबसे ज्यादा प्रचलित साहित्य है लोकगीत, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, भीली भाषा में हो, गुजराती भाषा में हो, मराठी भाषा में हो, या किसी भी भाषा में है, वो हमारा साहित्य है। उसी के ऊपर मैंने काम किया है, निमाड़ के आदिवासी लोकगीतों का अनुशीलन, जो मेरी किताब दिल्ली से छपी है और लगभग पूरे देश में नमन प्रकाशन के नाम से बिक रही है। उसका कल विमोचन होगा। इस पुस्तक को मेरे कार्य करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को लेटर लिखा था, उसके मार्फत मुझे स्वीकृत किया गया, उन्होंने उस विषय को स्वीकृत किया और उसके ऊपर मुझे 1,60,000 रुपए का अनुदान मिला था, तो उसके ऊपर मैंने काम किया था। उसी प्रकार से दूसरा एक और पहला वाला, उससे पूर्व मैंने 2010, 2011, 2012 और 2013 के बीच में पीएचडी का काम किया था, भिलाली लोक साहित्य और संस्कृति का अनुशीलन। तो उस पुस्तक में मैंने जो काम किया था उनके बारे में बता देता हूं मैं। उसमें भी लोकगीत आए थे, सबसे पहले बहुत सारे लोकगीत, विवाह के लोकगीत थे, जितने भी लोकगीत होते हैं, विवाह के हो सकते हैं, चाहे मन्नत के हो सकते हैं, कोई दिवाली के भी हो सकते हैं, चाहे कोई नवाई के हो सकते हैं, सभी गीतों को मैंने संकलित किया और उनको मैंने उसके बारे में बताया कि इसमें क्या चीजें छुपी हुई है, ये गीत क्यों गाए जाते हैं, ऐसा पूजन किया जाता है तो ऐसे गीत क्यों गाए जाते हैं, इस प्रकार से पूजन किया जाता है तो ऐसा क्यों गाया जाता है। तो ये किताब भी मेरी जब प्रकाशन हुई 2016 में, तो ये किताब भी लगभग पूरे भारत में चल रही है। तो ये साहित्य होता है, साहित्य लगभग आपने लोकगीत समझ लिया। लोकगीत के बाद दूसरे जो आते हैं वो हमारी संस्कृति भी हमारा साहित्य है, या हमारी जो सभ्यता है वो भी हमारा साहित्य है, उसकी ओर भी हम सभी जानते हैं लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं। तो अभी हम जितने सोशल मीडिया के ऊपर चिंतन मनन करते रहते हैं, कुछ कुछ लोग बहुत अच्छा लिखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मैं उनके प्रशंसा करता हूँ कि उसके मार्फत मुझे बहुत सारा डेटा जो है सोशल मीडिया से मिल जाता है। जैसे विक्रम अच्छालिया ने एक बार नवाई के ऊपर लिखा, भीमा नायक के ऊपर लिखा, बहुत अच्छा विस्तार से उन्होंने लेख लिखा। तो ऐसे लेख हमारे, ऐसे लेख हमको युवाओं को लिखना चाहिए। एक मिनट लेता हूँ मैं पानी।